Hello students, glycolysis padhna hai? Main Dr. H.D. Mahar from RGPG College Ambikapur glycolysis ke baare mein bataunga. Glycolysis ko AMP pathway bhi kehte hai. Isko तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर खोज किया था, एम्बेडन, मेयरहाफ एंड पारनास. इसलिए इसको एएमपी पैथवे भी कहते हैं. मेयरहाफ स्टार्टेड ग्लाइकोलिसिस इन 1920. उसके बाद फिर एम्बेडन एंड पारनास ने 1930 में इस काम को आगे बढ़ाया. आप जानते हैं कि फिजियोलॉजी मेटाबॉलिक क्रिया होता है जिसमें एनाबॉलिज्म सिंथेसिस प्रोसेस होता है और कैटाबॉलिज्म लाइसिस वाला प्रोसेस होता है या विघटन वाला प्रोसेस होता है, डिसइंटीग्रेशन वाला प्रोसेस होता है जिसपे ऊर्जा निकलती है. तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म नेचर की क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी निकलती है. ग्लूकोज खुद भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटता है और ऊर्जा मिलती है. तो ये ग्लूकोज प्रत्येक कोशिका में विसरण क्रिया के द्वारा पहुंचता है. अगर हम ग्लाइकोलिसिस को फार्मूला के रूप में लिखें तो अपन लिख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस इज इक्वल टू एएमपी, दैट इज एम्बेडन, मेयरहाफ एंड पारनास 1920, एंड इट इज बीइंग इन साइटोप्लाज्म. सो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोज मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. इन दिस वे द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. ओके, glycolysis, breakdown of glucose. This process happen in cytoplasm. And in this reaction, 10 enzymes take parts and happens in 11 steps. And we found two molecule of pyruvic acid and two ATP and two molecule of NADPH2. This pyruvic acid, if there is oxygen present, go to mitochondria and completes Krebs cycle. If there is absence of oxygen absent, तो ये cytoplasm में ही एक्स्ट्रा सेलुलर फर्मेंटेशन कर सकता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है जो कि इंट्रा सेलुलर होगा. ये पाइरुविक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल फिर जुड़ के और जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे और एल्कोहल बनाएंगे. इट इज wine, you know. About the discovery of glycolysis, मैंने बताया कि एम्बेडन, मेयरहाफ एंड पारनास ने इसका खोज की थी. दिस इज फुल डिस्क्रिप्शन. गुस्टाफ एम्बेडन 1930, ओटो मेयरहाफ 1920 एंड जैकॉब कार्नल पारनास 1930. दीज थ्री साइंटिस्ट्स discovered glycolysis and
दिस पिक्चर इज ऑफ ऑटो मेयर हाफ 1920 हु इनिशिएटेड टू स्टडी ग्लाइकोलाइसिस. ओके नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. सो इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म बाय 10 एंजाइम्स एंड 11 स्टेप्स. हेयर मैंने एंजाइम को इटैलिक में लिखा है, तो आप देख सकते हैं, आप गिन भी सकते हैं कि उसमें 10 एंजाइम और 11 स्टेप्स में है. सर्वप्रथम ग्लूकोज एटीपी से एक फॉस्फेट लेता है, फॉस्फो हेक्सो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है. इसको शॉर्ट में G6P भी लिख सकते हैं. ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है. इसको भी F6P लिख सकते हैं. तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमेरिज्म हो गए. सेम थिंग, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट चेंजेस इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. ओके नाउ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट अगेन बाय फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर एटीपी से एक फॉस्फेट लेके फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बनाता है. इसको FTP भी कह सकते हैं. एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मैग्नीशियम आयन उपयोगित होता है. जहाँ भी काइनेज एंजाइम अप्लाइड होगा वहाँ मैग्नीशियम आयन क्रियाशील रहते हैं, वो एंजाइम की क्रिया बढ़ाते हैं. एक को फैक्टर है मैग्नीशियम आयन. तो मैं बता रहा था कि फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बनता है फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहाँ मैग्नीशियम आयन काम करता है. फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट या FDP एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है. फ्रुक्टोज 6 कार्बन एटम है, 2 भागों में टूटेगा, 3-3. फर्स्ट मॉलिक्यूल इज 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और 3-PGL. सेकेंड मॉलिक्यूल इज डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP. सो 6/2=3. सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 कंपाउंड्स, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट. दीज बोथ मॉलिक्यूल आर आइसोमेराइज आर इंटरचेंजेबल बाय ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम. सो दैट फ्रॉम हेयर ईच स्टेप फॉरवर्डिंग गोज टू डबल. क्यों? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्रिया में भाग लेगा और उसका आधा भाग जो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो भी आइसोमर होकर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, तो वो भी पार्ट ले टेक पार्ट करेगा क्रिया में. तो इसलिए यहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से आगे की पायरुविक एसिड क्रिया, पायरुविक एसिड बनते तक की संपूर्ण क्रिया 2 गुना होगा या डबल होगा. क्लियर? एनी डाउट?
ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट, फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज वन सिक्स डाईफॉस्फेट, फ्रुक्टोज वन सिक्स डाईफॉस्फेट स्प्लिटिंग इंटू टू पार्ट पोर्सन, थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. फ्रॉम हेयर सिंगल, माने अप टू हेयर सिंगल चलेगा, उसके बाद फिर थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से आगे की क्रिया दो मॉलिक्यूल के साथ होगा, जबकि एक ही मॉलिक्यूल अपन लिख रहे हैं. ठीक है, तो थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके चेंज हो जाता है वन थ्री डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, उसको थ्री पी जी एल भी कहते हैं. डी पी जी एल वन थ्री डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, सो डी पी जी एल भी कहते हैं. ये वन थ्री डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोजन छोड़ देता है, माने ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन जो है एनएडीपी से जुड़ के एनएडीपी एच टू बना लिया, और ये एल्डिहाइड ग्रुप चेंजेस इनटू एसिड ग्रुप, यहाँ पानी भी जुड़ता है, तो एल्डिहाइड सी एच ओ चेंजेस इनटू सी ओ ओ एच. ऑक्सीजन वेयर कम केम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल. अब ये वन थ्री डाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जब हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो चेंज हो गया वन थ्री डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड डीपीजीए में. ये वन थ्री डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एडीपी को अपना एक फॉस्फेट दे दिया और एटीपी बना लिया. ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में और चेंज हो गया थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. यहाँ वन थ्री डाई फॉस्फोग्लिसरिक है, तो एक यहाँ आ गया फॉस्फेट, तो बच गया केवल थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, राइट? यहाँ तक कोई डाउट? इसमें कुछ नहीं है बेटा, वन थ्री डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वहां से एक फॉस्फेट निकल गया तो बच गया थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. इट इज वेरी सिंपल. ओके, नाउ थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है. हेयर म्यूटेज म्यूटेज एंजाइम चेंजेस द पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम थ्री कार्बन एटम टू टू कार्बन एटम. ओके, सो थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंजेस इनटू टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. दिस टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एनालाइज एंजाइम की उपस्थिति में एक वाटर मॉलिक्यूल त्यागता है और फॉस्फो इनाल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है. फॉस्फो इनाल पायरुविक एसिड, हेयर सेम फॉस्फो, हेयर सेम फॉस्फो. नाउ ग्लिसरिक एसिड चेंजेस इनटू इनाल पायरुविक एसिड बाय लीविंग द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ये फॉस्फो इनाल पायरुविक एसिड पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फेट दे देगा एडीपी को, जो एटीपी में चेंज हो जाएगा और प्राप्त हो गया पायरुविक एसिड. सो फ्रॉम ग्लूकोज टू
pyruvic acid there. This is glycolysis. So you may see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 enzymes and steps. You may say here it is repeated, but here is another enzyme. So 10 enzymes and 11 steps. Here are 10 steps and this one 11th steps. So this 11 step, this 10 step and this one 11th step. So in 11 steps total, glycolysis completes, in which glucose is broken down. Now let us see about the ATP production from glycolysis. So glycolysis में दो ATP पहले यूज होते हैं, फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन में. कैसे? यहाँ फर्स्ट रिएक्शन में ATP यूज हुआ एंड थर्ड रिएक्शन में ATP यूज हुआ. तो जब पहला यूज हुआ तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फास्फेट बना और फ्रुक्टोज 6-फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-डाईफास्फेट बना. तो यहाँ दो ATP यूज हो गए. ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यहाँ ATP बन रहा है 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. जब ट्रांसफास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हुआ तो यहाँ 1-फॉस्फेट यहाँ आ गया तो ATP बना. ठीक है, फिर दूसरा फॉस्फोइनाल पायरविक एसिड से, जब फॉस्फोइनाल पायरविक एसिड से जब पायरविक एसिड बना तो एक ATP यहाँ बन रहा है, फॉस्फो वाला फॉस्फेट यहाँ आ गया, फॉस्फोइनाल वाला, और पायरविक एसिड यहाँ बचा है तो ATP यहाँ बना. तो एक ATP ये और एक ATP ये, तो दो ATP. और यहाँ से जो डबल क्रिया चल रही है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से, तो दो दूनी 4 ATP. इस तरह से 4 ATP बने और 2 ATP यहाँ, चूँकि यहाँ सिंगल क्रिया है तो 2 ATP यूज हुआ. तो 4 में से 2 गए तो यहाँ नेट गेन 2 ATP का हो रहा है. ठीक है, फिर अपने को 2 NADPH2 बनते हैं जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है. एल्डिहाइड व्हेन चेंजेस इनटू एसिड, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंजेस टू 1,2-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. सो NADPH2 यहाँ बनता है. ये एक NADPH2 से, इसका दो कंडीशन है. हम लोग पढ़ते थे तो सर बताते थे एक NADPH2 इक्वल टू 3 ATP, बट आजकल ये नया रिसर्च हुआ है तो ये पता चला है कि NADPH2 का 2 शटल होता है. तो ये मैलेट स्पार्टेट शटल में जब जाता है तो प्रोटॉन मैट्रिक्स के अनुसार उसमें 10 प्रोटॉन बनते हैं. और 10 प्रोटॉन जब बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है. तो एक ATP बनाने के लिए 4 प्रोटॉन की आवश्यकता होती है. तो 10
डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5 एटीपी। और यही जब ग्लिसरोफास्फेट संट में जाता है, ग्लिसरोफास्फेट सटल में, तो प्रोटॉन मैट्रिक्स में 6 प्रोटॉन बनते हैं और ये 6 प्रोटॉन से 6/4 इज इक्वल टू 1.5 एटीपी। तो 1.5 एटीपी यहाँ बनते हैं। इस तरह से टू NADPH2 से या तो 5 एटीपी बनेंगे या तो 3 एटीपी बनेंगे। कैसे कि 2.5 × 2 = 5 और 1.5 × 2 = 3। तो इस तरह से 2 + 5 = 7 और 2 + 3 = 5। टोटल एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस हमको 7 एटीपी मिलेंगे या 5 एटीपी मिलेंगे। तो इस तरह से ये ग्लाइकोलिसिस है, ये उनकी रासायनिक क्रियाएं हैं, जो कि अगर फुल लेंथ क्वेश्चन है 10 नंबर का तो आपको ये रासायनिक क्रियाएं भी बतानी पड़ेगी। अगर शॉर्ट नोट्स है तो रासायनिक क्रिया नहीं बताना है, केवल इतना पायरविक एसिड का निर्माण कर देना है और शॉर्ट नोट्स के लिए। जबकि अगर फुल लेंथ क्वेश्चन है तो उसके केमिकल रिएक्शन पर भी जा सकते हैं। समझ में आया? थैंक यू।